तो ये चीज़ें मेरे ये एक ऊपर चढ़ा हुआ यहाँ से मैंने ये जो है नई बनाई है कोठी, क्योंकि ये सारा ये इसका छत गिर गया था, वो भी आपको वीडियो दिखा देता हूँ। ये भी अंदर से सही बनी नहीं है, ये भी सारा गंद पड़ा हुआ है। चलना 12 रबी लवल है, और 12 रबी लवल को हम अपने जो इधर शहर है उधर चलेंगे, और वहाँ पे सजावट तो कम ही है लेकिन देखते हैं कैसी हुई है। कल ही चलेंगे क्योंकि आज तो मेरे पास टाइम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है, सब ठीक हो? तो आज मैं बड़े दिनों बाद अपना ब्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि मेरे मंथली टेस्ट आ गए थे और बाकी और भी मामला थे कुछ। तो आज जैसा कि आपको पता है 11 रबी लवल है, और आज हमारे कॉलेज में मिलाद भी था, मोबाइल अलाउड नहीं था वरना मैं वहाँ पे मोबाइल ले जाता और आपको दिखाता अपना कॉलेज। लेकिन इंशाल्लाह फेयरवेल पार्टी जो नेक्स्ट से नेक्स्ट सैटरडे को है तब मैं अपना मोबाइल लेके जाऊँगा। तो सबसे पहले एक और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि मेरे 3 चूजे जो है वो मर गए हैं, एक असील वाला था और एक दो दूसरे थे, तो वो भी 2-3 दिन हो गए हैं वो मर गए हैं। उन्हें कोई पता नहीं बीमारी लगी है क्या मसला हुआ है, और बाकी ये घूम रहे हैं। ये देखें ये फिट फाट। आज हमारे कॉलेज में मिलाद इस तरह था कि 10 बजे जो है वो बॉयज़ का था और बाकी आगे 1 बजे तक गर्ल्स का। तो मैंने तिलावत में हिस्सा लिया हुआ था, मैंने तिलावत की है तो बच्चों को प्राइज वगैरह भी मिले हैं और फर्स्ट सेकंड पोजीशन। मेरी तो कोई पोजीशन नहीं आई क्योंकि मुझे नहीं पता था पोजीशन वगैरह का, तो अगर पता होता तो तैयारी करके जाता। एक बार भी मैंने यहाँ पे घर में प्रैक्टिस नहीं की, डायरेक्ट उधर जाके पहले नाम लिखवाया तो अचानक ही सब किया है, पहले नाम लिखवा दिया फिर साथ ही जाके अगले दिन स्टेज पे ना तिलावत कर दी। तो कोई पोजीशन नहीं ली लेकिन इंशाल्लाह आगे भी हो सकता है, आगे में आगे कोई इवेंट हो तो पोजीशन लूँगा फिर आपको दिखाऊंगा। और बाकी मंथली टेस्ट में मेरे 70% मार्क्स आए हैं, वो ज़्यादा मेरे उर्दू की वजह से कम हुए थे। यहाँ पे मैं अपना ब्लॉग एंड कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। हाफिज़।